हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग क्लास मेथड्स, राइट। प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग क्लास मेथड्स, जैसे आपका कैरेट मेथड हो गया, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड हो गया, इंडेक्स ऑफ मेथड्स हो गया, ठीक है, मेथड हो गया नॉट मेथड्स। तो अगर जहाँ आपका छूट गया था, आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी इंटरव्यू पर्पज, राइट, क्लियर है। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में थ्री मैथड्स। आपका फर्स्ट है लेंथ मेथड, सेकंड रिप्लेस मेथड, थर्ड वन इज सब स्ट्रिंग मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ये जितने हम प्री डिफाइंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत बार पूछा गया है इंटरव्यू में, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं लेंथ मेथड। देखो, लेंथ मेथड का बेसिकली यूज क्या है कि बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो स्ट्रिंग के अंदर होते हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, उसको वो रिटर्न करता है, ठीक है। मैंने लिखा है दिस मेथड इज यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। और इसका ये सिंटेक्स होता है पब्लिक, रिटर्न टाइप इंट, और ये मेथड, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, फाइल का नेम दे दिया मैंने स्ट्रिंग str दे देता हूँ, 6.java। चलिए क्लास बना लेते हैं, क्लास का नेम दे दिया माई स्ट्रिंग, कुछ भी दे सकते हो आप लोग, माई स्ट्रिंग। एंड देन मेन मेथड, और यहाँ पे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल मैंने दिया जावा, और यहाँ पे लिख देता हूँ आई लव जावा, क्लियर, ऐसा कुछ लिखा मैं। और इसको मैं यहाँ पे ये इंट टाइप रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पे एक इंट टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ नंबर, और इसमें हम क्या करते हैं जावा डॉट लेंथ मैथड को कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड देन नंबर। चलिए अब देखो ये कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है इसके अंदर, ये देखो इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर कितने हैं, टोटल 11, ठीक है ना। ये आपका 11 प्रिंट करना चाहिए। चलिए हम कंपाइलर ओपन कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट cmd, मेरा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप पे है, तो पहले cd डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, देन cd जावा, जावा नाम का फोल्डर है, कंपाइल करो अब आगे जावा नाम के फोल्डर में, तो जावा सी, देन फाइल का नेम str6.java, कंपाइल्स फाइन। क्लास का नेम है मेरा माई स्ट्रिंग, चलो तो देखिए 11, क्लियर है पॉइंट। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, वो चीजें रिटर्न करता है, ठीक है। आई होप क्लियर की लेंथ मेथड का काम क्या है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका रिप्लेस मेथड। देखो रिप्लेस मेथड का बेसिकली यूज क्या है, जो आपका ओल्ड कैरेक्टर है आपके स्ट्रिंग के अंदर, कोई भी कैरेक्टर को आप रिप्लेस करना चाहते हो, ओल्ड नहीं, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैरेक्टर आप न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस करना चाहते हो, उसके लिए रिप्लेस मेथड यूज होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है स्ट्रिंग रिप्लेस मेथड रिप्लेसेस ऑकरेंसेस ऑफ कैरेक्टर विद अ स्पेसिफाइड न्यू कैरेक्टर, ठीक है। सिंटेक्स इसका पब्लिक स्ट्रिंग रिप्लेस एंड देन यहाँ पे कैरेक्टर देना, और यहाँ पे जिस जो कैरेक्टर से रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है। एग्जाम्पल बात करते हैं हम लोग, चलिए इसी में हम लोग इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं जावा डॉट रिप्लेस रिप्लेस। तो आपको मैंने दिया आई को, जो स्मॉल आई है उसको बेसिकली रिप्लेस करना है किससे, कैपिटल आई से, ऐसे दे देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको हम फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइल्स फाइन, देखो ये रिप्लेस हो गया, चेक करो यहाँ, डन, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब एक और आता है आपका, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ये आई को इस आई से रिप्लेस करना है, ठीक है, तो ये तो रिप्लेस कर दिया। अब अगर जहां मैं सपोज करो ए को रिप्लेस करता हूँ, ए को कैपिटल ए से, जो मैं जावा के अंदर लिखा हूं, तो इस केस में देखना दोनों ए को ये क्या करेगा भाई, रिप्लेस कर देगा कैपिटल ए से। ये देखो दोनों ए, मुझे एक फर्स्ट वाले ए को, ये जो है फर्स्ट वाले ए, इसको रिप्लेस करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना है रिप्लेस फर्स्ट, और रिप्लेस फर्स्ट आपका कैरेक्टर पे वर्क नहीं करेगा, तो आपको स्ट्रिंग टाइप बताना है, स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर देना है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो स्मॉल ए है फर्स्ट वाला, उसको कैपिटल ए से रिप्लेस कर दो, आई होप क्लियर है। चलिए
देखते हैं, कंपाइल करके, कंपाइल फाइन, देखो यहाँ पे चल रहा है, फर्स्ट वाला आपका रिप्लेस हुआ, क्लियर है बॉय? डन। इसी तरीके से आपका रिप्लेस ऑल मेथड भी होता है, डन। सो ये एग्जाम्पल है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो तभी समझोगे। ये सब बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया, ये सब प्री डिफाइंड मेथड्स हैं स्ट्रिंग क्लास का, ठीक है? और भी मेथड्स है, वी विल डिस्कस वन बाय वन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सब स्ट्रिंग मेथड। देखो सब स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, एक चीज याद रखना, ये स्ट्रिंग के एक पार्ट को रिटर्न करता है। अब पार्ट को मतलब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग मेथड रिटर्न अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है? इसके बेसिकली दो ओवरराइडेड मेथड होता है, ठीक है? ओवरराइड मेथड, फर्स्ट वन इज मैंने लिखा है पब्लिक स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, एस देखना सब के बाद भी एस स्मॉल लिखना है, कोई कोई कैपिटल लिख देता है, ठीक है? तो ये आपका मेथड, और यहाँ पे बताना है आपको बिगनिंग मतलब जो जहां से स्टार्ट करना है, तो बिगनिंग इंडेक्स बताना है कहाँ से स्टार्ट करना है, तो इंडेक्स नंबर। और सेकंड वाले आपका है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, तो एंडिंग में क्या हो जाता है लेंथ माइनस वन, जो इंडेक्स दोगे उससे पहले एक पहले तक प्रिंट करेगा, है ना? चलिए इसको भी प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। अब ये चीजें हटा दिया मैंने, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा डॉट सब स्ट्रिंग एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोर, क्लियर है? ये क्या करेगा, फोर नंबर इंडेक्स है ना, तो जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर, पता है आपको जीरो, ये कैरेक्टर भी काउंट होगा, वन टू थ्री, ये फोर से स्टार्ट करेगा, है ना? चलिए तो वी के बाद स्टार्ट करेगा, है ना? चलिए देखते हैं क्या प्रिंट करता है हमारा, कंपाइल करते हैं, देखो कंपाइल फाइन, देखो वी के बाद वाले प्रिंट किया, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है? आप बता सकते हो स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, तो वो भी बता सकते हो आप। मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्टिंग एंड देन कोमा एंडिंग एट, ठीक है? अब इस केस में क्या प्रिंट करता है, चलिए देखते हैं, कंपाइल्स फाइन, देखो यहाँ पे वी एंड देन स्पेस एंड देन जे, तो देखो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगा आपका इंडेक्स, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, देखो सेवन एट नहीं करेगा, सेवन तो लेंथ माइनस वन हो जाएगा, ठीक है? तो वी के बाद ये इतना सा आपका क्या करेगा स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, क्लियर है पॉइंट? ये सब स्ट्रिंग मेथड का काम हो है, आई होप क्लियर है, ठीक है? इसको आप लोग क्या करो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा, ठीक है? तो इस वीडियो में हमने थ्री मेथड्स डिस्कस किए, अपकमिंग वीडियोस में हम लोग ये मेथड, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी मेथड्स हम लोग कवर करेंगे, ये सारी प्री डिफाइंड मेथड्स है, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर, तो ये सारे मेथड कवर करेंगे, ठीक है? मेथड्स आफ्टर दैट इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, जो देखो 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, वन बाय वन वी विल डिस्कस विद प्रैक्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। अगर यहाँ कहीं पे आप जावा की प्रोफाइल पे इंटरव्यू देने जाते हो, तो ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? सो हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग प्री डिफाइंड मेथड्स, ये सब कंप्लीट करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है? तो आज हमने डिस्कस थ्री मेथड डिस्कस किया, ठीक है? तो आप लोग इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, ठीक है? एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।